ये सवाल आपके निजी और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं और आपको कम शब्दों में उसका जवाब देना है। जी, कांतिलाल कड़ू को गुस्सा कब आता है? जब झूठा सामने आता है, दिखता है मेरे को सामने, तो तुरंत मेरे को गुस्सा आता है। खुशी कब होती है? समाज का अगर कुछ अच्छा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपका फेवरेट जो फूड है वो क्या है? मैं प्योर वेज हूँ, प्योर वेज पसंद करता हूँ, कई फ्रूट्स करता हूँ, सब्जियाँ जो ग्रीन सब्जियाँ है वो पसंद करता हूँ। आपका फेवरेट जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है वो क्या है? नहीं, जो जहाँ मंदिर है, जहाँ भगवान की मंदिर है वहाँ मैं जाता हूँ, उनके नतमस्तक होता हूँ। मंदिर के अलावा मैं जा कहीं घूमने नहीं जाता, क्योंकि मैं मुझे प्रेरणा चाहिए तो मैं वहाँ जाके नतमस्तक होके आता हूँ। आपको आपके जो रायगढ़ क्षेत्र का सबसे जो उम्दा और भावी जो लीडर है, जो उत्थान कर सकता है, वो कौन है? अभी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे उसमें मेरी गलती हो, दृष्टि का दोष भी रह सकता है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ कि जिसको समाज को आगे लेना जाना है, रायगढ़ को आगे लेके जाना है, उसमें सब राजनीतिक मार्ग पे बहुत लोग है, लेकिन समाज को राजनीतिक से जोड़ के समाज को आगे लेके जाने वाला जो महाराज की दृष्टि से, वो मेरे को आज दिखता नहीं सामने इस टाइम। दो दो लाइनों में नेताओं के बारे में आपको अपनी राय रखनी है। जी, प्रशांत ठाकुर फेल, टोटली फेल लोक प्रतिनिधि है। विरोधी पक्ष नेता प्रीतम मात्रे, वो अस्तित्व में नहीं है। विवेक पाटिल जो किया, वो लोगों ने उनके ऊपर बड़ी श्रद्धा रखी थी, वो श्रद्धा को गलत इस्तेमाल किया हुआ, एक उनका जो प्लानिंग था वो फेल हो गया। परेश ठाकुर को अभी बहुत टाइम है। मैं कहूंगा कि परेश ठाकुर जी और प्रशांत ठाकुर जी दोनों एमएलए, एक गजल है मराठी में, इतक्यात कशाला करते फुलण्याची तू घाई, इतक्यात कशाला करते फुलण्याची तू घाई, मातीचा गुणधर्म अजूनही तुला कळलाच नाही। ही जी गजल है, ये गजल कि यहाँ के माती का और लोगों का गुणधर्म जो है, लोगों को क्या, ये इनको दोनों के समझ में नहीं, ये तो बाप की कमाई है, ये बेटे की दोनों की कमाई नहीं है। कांतिलाल कड़ू अगले 10 साल बाद या 20 साल बाद अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? समाज का एक नेता बनना चाहता हूं। समाज जहां लेके जाएगा, मेरा नुकसान इसमें कुछ नहीं है। अगर मेरे को कुछ नहीं मिला राजनीति में तो मेरा नुकसान कुछ नहीं है। मैं अपने विचारधारा, मेरा स्टडी, जो भी कुछ मेरे पास है, मैं लोगों को समर्पित करके मैं जा रहा हूं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता, ये मेरी जिंदगी की राय है। अगर आपको सुपर पावर दे दिया जाए तो आप किसे दंड देना चाहेंगे? मैं सुपर पावर अगर बनूंगा ना, तो मैं यही बात करूंगा कि भाई ये देखिए, अगर आपने आज गलती की है तो अभी इस मोमेंट पे आपको सुधरना है। कई साल पहले मैंने एक कविता ही सुनी थी, एक एक श्वास मन तो आता तरी सुधारा, एक एक पल, एक एक श्वास अपने कहते कि चलो कल गलती हुई, अब भी गलती हुई, लेकिन अभी इसके आगे गलती नहीं करना है, नहीं, क्योंकि आप आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति या कुछ नहीं है, जो है और नाशवंत देह है, आज आपको सबको जाना है। ये दंड देने जो बात है वो नियति करेगी। मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए महाराष्ट्र का, तो आप एक काम क्या करेंगे? वो अनिल कपूर के जैसा काम करना पड़ेगा, लेकिन एक बात करूंगा, तो महाराष्ट्र में जो नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो एक दिन के पहले ही दिन में तो नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो समाज में जाति भेद हो रहा है, उसके खिलाफ पहला काम करना चाहिए। आदमी एक ही आपका जो सत्ता केंद्र चाहिए ना, वो आदमी चाहिए, जिसको मराठी में मानुष कहते हैं ना, जाति भेद, ये सब कानून के चौकट में गुनहगार बनाने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा हटा देंगे और आदमी को आगे लाएंगे। अगर आपके सामने साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाए और पूछें कि कांतिलाल कड़ू जी एक कोई भी चीज मांगिए, तो आप वो एक चीज क्या मांगेंगे? नैनेश्वर माउली का जो पसायदान है कि सबको सुखी, सबको सुखी रखो, और सबको मैं सुखी नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं बोलेगा सबकी कमजोरी हटा दो। तो भगवान को मेरी एक प्रार्थना है कि बाबा अभी आपका संविधान चेंज करो, और जो सज्जन का रक्षण करने वाले है तो सज्जन के लिए आप अभी राह मत देखो, क्योंकि पहला काल तो था सच्चाई का काल था, सत्य काल था, अभी कलयुग है, और कलयुग में लोगों की जो इम्यूनिटी है
और बहुत कम पढ़ी है, तो इम्यूनिटी बढ़ाओ और कमजोरी दूर करो। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।